नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज और आपके साथ मैं हूं निर्मला राव। आइए शुरुआत करते हैं खबर दिन भर की खास खबरों के साथ। अवैध रूप से चल रहे केमिकल के गोदाम पर पुलिस ने मारा छापा, मौके से केमिकल से भरे ड्रम किए जब्त। जालौन में अज्ञात चोरों ने लाखों के माल पर किया हाथ साफ, पुलिस ने चोरों की तलाश की शुरू। दौसा में लोडवाड़ा गांव में धड़ल्ले से जारी अवैध लैब, झोला छाप डॉक्टरों ने सत्यमेव न्यूज के संवाददाता के साथ भी की हाथापाई। और सिकंदरा में कचरे के ढेर पर संचालित आंगनबाड़ी, बीमारियों का मंडरा रहा खतरा। अब खबरें विस्तार से। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और संसदीय कार्य मंत्री रहे अनंत कुमार का अंतिम संस्कार दोपहर में किया गया। इससे पहले उनके शव को कर्नाटक बीजेपी कार्यालय जगन्नाथ भवन में रखा गया, जहां उनके समर्थकों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। कर्नाटक सरकार ने अनंत कुमार के निधन के बाद प्रदेश में 3 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। वहीं दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री के निधन के बाद आज कैबिनेट की बैठक बुलाई गई, जिसमें सभी मंत्री सुबह शोक प्रकट कर एक प्रस्ताव पारित करेंगे। इससे पहले कल रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में अनंत कुमार के घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सरकार और रिजर्व बैंक के बीच में विभिन्न मुद्दों के बारे में चल रही खींचतान के बीच में गवर्नर उर्जित पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को पटेल दिल्ली में थे और उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय के कई वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। आपको बता दें कि पिछले कुछ हफ्तों से सरकार और केंद्रीय बैंक के बीच में विवाद की स्थिति बनी हुई है और माना जा रहा है कि पटेल की पीएम मोदी से मुलाकात का मकसद सरकार के साथ जारी खींचतान का समाधान खोजना हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले मल्टी मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन किया है। इस मौके पर मोदी ने गंगा पर बने मल्टी मॉडल टर्मिनल का निरीक्षण किया और गंगा मैया को प्रणाम किया। इसके बाद सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर नाम लगाए बिना कहा कि ये काम कई दशकों पहले हो जाना चाहिए था, जो आज हुआ है। मोदी ने यह भी कहा कि यह पहला मौका है हमारे नदी मार्ग व्यापार मार्ग के लिए सक्षम हुए हैं। इसके लिए उन्होंने 4 साल पहले जल मार्ग का कार्य प्रारंभ किया था। उस समय विपक्ष के लोगों ने इसकी आलोचना की थी, लेकिन आज कोलकाता से आए हुए जहाज ने आलोचना करने वाले लोगों को जवाब दे दिया है। जलमार्ग से पूर्वांचल हिस्सा आज बंगाल से जुड़ चुका है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सोमवार को कार्यकर्ताओं से कहा कि पिछले 5 सालों से कांग्रेस देश की राजनीति को गलत दिशा में ले जाने का प्रयास कर रही है। चुनाव विकास, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस विकास के इस एजेंडे से ध्यान भटकाने का जनता के लिए प्रयास कर रही है। शाह ने कहा कि भाजपा के लिए चुनाव सिर्फ सरकार बनाने का जरिया नहीं होता, बल्कि यह अपने विचारधारा को जनता तक ले जाने का सशक्त माध्यम भी होता है। उपखंड गंगापुर सिटी के ग्राम उदय कला में कल कुश्ती दंगल का आयोजन किया जाएगा। दंगल संयोजक मलिक पठान ने बताया कि हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी दीपावली के बाद कुश्ती दंगल का आयोजन किया जा रहा है। दंगल के मुख्य अतिथि हाजी अनवर अली काजी, पूर्व सरपंच काजी कॉलोनी और विशिष्ट अतिथि समाजसेवी मुक्तांदिर, संतोष दुबे और फिरोज पहलवान मौजूद रहेंगे। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये जो आयोजन कर रहे हैं आप किस संदर्भ में कर रहे हैं? ये हमारे गांव की परंपरा चली आ रही है, दीपावली की छठ पे कुश्ती दंगल के आयोजन रखा जाता था हमेशा, और इस वर्ष भी 13 नवंबर को हम ये दंगल कराना चाहते हैं। कल ये दंगल होने को जा रहा है, दिन के 12 बजे 13 नवंबर को, ये दीपावली की छठ पे होता है और हमेशा होता रहेगा। और ये किसके कौन करवा रहा है इसको? मैं खुद कराता हूं, अपने बल पे कराता हूं, मलिक पठान बड़ी उदयी कला से। मेरा नाम मलिक। जोधपुर में ओसिया के निकट खाबड़ा खुर्द ग्राम स्थित राजकीय विद्यालय के सामने चल रही 7 दिवसीय भागवत कथा 3रे दिन भी जारी है। वहीं राजा राम महाराज ने गाय की सेवा करना ही सबसे बड़ा पुण्य का कार्य बताया। उन्होंने अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान भगवान कृष्ण और भगवान राम की मनमोहक झांकियों ने भी सबका मन मोह लिया। इस दौरान पूर्व सरपंच सोनाराम माचरा, समाज सेवी हनुमत सिंह भाटी, चंपालाल गायना, पूर्व उप सरपंच भागीरथ राम माचरा और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सिकंदरा में भगवती नारायणी माता की कथा से पूर्व कलश यात्रा निकाली गई। नारायणी माता की आरती के बाद कथा शुरू की गई। इस दौरान कार्यक्रम में पधारे सिकंदरा सरपंच
अमर सिंह कसाना का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। वहीं सरपंच ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए सैन समाज के लिए हर संभव विकास में मदद देने का आश्वासन दिया। दौसा जिले की सिकरा तहसील के गांव लोटवाड़ा में अवैध लैब धड़ल्ले से जारी है। अवैध लैब राहुल एक्सरे और जांच सेंटर के नाम से संचालित है। सरकारी अस्पताल में कार्यरत सहायक कर्मचारी अशोक मीणा ने लैब के संचालन में सहयोग प्रदान किया है। जब सत्यमेव न्यूज के संवाददाता ने झोला छाप डॉक्टरों और लैब की कवरेज करने की कोशिश की तो लैब संचालक राहुल और अस्पताल में कार्यरत सहायक कर्मचारी अशोक मीणा ने संवाददाता के साथ अभद्रता कर हाथापाई की। मामला बढ़ता देख लैब संचालक और सहायक कर्मचारी अशोक मीणा मौके से फरार हो गए और जिस तरह इस क्षेत्र में झोला छाप डॉक्टरों और अवैध लैबों का संचालन हो रहा है, यह प्रशासन की मिलीभगत का निश्चित रूप से एक संदेश है। जब तक चिकित्सा विभाग और प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करेगा तब तक इन झोला छाप डॉक्टरों का हौसला ऐसे ही बुलंद रहेगा। आखिर सोचने वाली बात है कि आम जन की जिंदगियों से झोला छाप डॉक्टर किस तरह और कब तक खिलवाड़ करते रहेंगे। निमराणा थाने के दुघेड़ा गांव के पास अवैध रूप से चल रहे केमिकल के गोदाम पर ट्रेनर आईपीएस हेमंत ने छापा मारकर 2 दर्जन खाली और केमिकल से भरे ड्रम जब्त किए। कार्रवाई के दौरान मौके पर कोई नहीं मिला। निमराणा थाना प्रभारी संजय पुनिया ने बताया कि उच्च अधिकारियों को हाईवे 8 पर दुघेड़ा के पास संदिग्ध गतिविधि होने की सूचना मिली थी जिस पर कार्रवाई की गई। उरई नया पटेल नगर करसान रोड कब्रिस्तान गेट नंबर 1 के सामने चिश्ती टेंट हाउस के मालिक हाफिज शहादत के मकान पर रात्रि के समय अज्ञात चोरों ने लाखों के माल पर हाथ साफ किया। जब परिवारजनों को इस घटना के बारे में पता चला तो वो दंग रह गए। परिवारजनों ने आनन फानन पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया और चोरों की तलाश शुरू कर दी है। उन्हेल थाना क्षेत्र के डेलाखेड़ी और चोरबर्डी के मध्य बहने वाली चाचुरनी नदी में युवक की डूबने से मृत्यु हो गई। मृतक सागर 18 वर्षीय गंगधार थाना क्षेत्र के टिगरिया गांव का रहने वाला था जो कि रविवार को बकरी चराने जंगल गया हुआ था। हेड कांस्टेबल कैलाश चंद ने बताया कि मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। बाब ब्लॉक की ग्राम पंचायत सेहड़ा मुख्यालय पर सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ जिसमें कांग्रेस देहात जिला महामंत्री कुम सिंह पातावत ने इसे संबोधित किया और कहा कि आज से 4 वर्ष पूर्व कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बात कही थी कि जो भी कार्यकर्ता या पदाधिकारी विपक्ष की भूमिका फील्ड में रहकर निभाएगा उसे ही आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट दिया जाएगा। पतावत ने फलौदी से स्थानीय और फील्ड में कार्य करने वाले व्यक्ति को टिकट देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ होती है। अगली खबर जहाजपुर से है जहां मदरसे में रखे हाजिर रजिस्टर और सिपारे को ग्राम बेरी के लड़कों ने फाड़कर वापस डेस्क पर रख दिया और उन्हें फाड़ते हुए ग्रामीणों ने देख लिया। सूचना मिलने पर पुलिस के आला अधिकारी लवाजमे के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने छानबीन की। छानबीन में आशीष कुमार पिता सावरा धाकड़ उम्र 12 वर्ष को हिरासत में लिया गया है। इस घटना की रिपोर्ट अंजुमन कमेटी के सदर अल्ताफ मोहम्मद सरवरी पंडेर थाने में दी गई है। बाली विधानसभा क्षेत्र के सबसे बड़े धार्मिक स्थल श्री सोनाणा खेतलाजी के धाम के ट्रस्ट अध्यक्ष मुकेश राज पुरोहित भाजपा में शामिल हो चुके हैं। भाजपा के स्थानीय विधायक और ऊर्जा मंत्री पुष्पेंद्र सिंह राणावत और पूर्व मंत्री अचला राम मेघवाल की उपस्थिति में सैकड़ों समर्थकों के बीच राज पुरोहित को दुपट्टा पहनाकर उनका स्वागत किया गया। राज पुरोहित ने बताया कि भाजपा ही राजस्थान और केंद्र में सरकार बनाएगी। बाली विधानसभा बाहुल्य क्षेत्र के कुंडाल ग्राम में आज कांग्रेस के नेता और प्रबल दावेदार जसवंत राज मेवाड़ा की अहम मैराथन बैठक हुई जिसमें समीपवर्ती क्षेत्र से सैकड़ों की तादाद में पंच पटेल और ग्रामीण पहुंचे। आदिवासी क्षेत्र के इस मैराथन बैठक में आम जनता ने समर्थन का भरोसा दिया। आदिवासी क्षेत्र की इस मैराथन बैठक को प्रबल दावेदार जसवंत राज मेवाड़ा ने संबोधित किया और कहा कि इस अद्भुत मजबूत स्नेह के लिए सभी भाइयों माताओं और पंच पटेलों का आभार। इस दौरान इस भव्य मैराथन बैठक में आसपास से दर्जनों गांवों के पंच पटेल और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस मौके पर पंच पटेलों ने कहा कि जसवंत मेवाड़ा को पूरे आदिवासी बाहुल्य का आशीर्वाद है और तन मन से आदिवासी भाई बहनों और युवा साथियों का समर्थन का विश्वास दिलाया जाता है। सिकंदरा कस्बे के
कुम्हार मोहल्ले में स्थित आंगनबाड़ी कचरे के ढेर पर संचालित होने से बीमारियों का खतरा इन दिनों मंडरा रहा है। आंगनबाड़ी के पास स्थानीय लोगों द्वारा कचरा डाला जाता है, नालियों का निर्माण भी नहीं हुआ है, जिसकी वजह से पानी की निकासी नहीं हो पाती है और पानी वहीं इकट्ठा हो जाता है, जिससे गंदगी का आलम चारों ओर रहता है और बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। छोटे बच्चों को आंगनबाड़ी में खेलने के लिए ना तो जगह है और ना ही पीने के पानी की व्यवस्था, ऐसे में बच्चों का स्वास्थ्य खतरे में नजर आ रहा है। वहीं दूसरी ओर डेंगू मलेरिया आदि को बीमारियों का प्रकोप चल रहा है, जिसके बावजूद प्रशासन किसी भी तरह की हरकत में नहीं आया और ना ही प्रशासन को कोई फर्क पड़ रहा है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी सत्यमेव न्यूज के रिपोर्टर अनूप पाटोदिया ने खबरें प्रसारित की थी, तब जाकर प्रशासन ने कुछ हरकत में आकर ध्यान दिया और कचरा साफ करवाया, मगर कुछ दिन के बाद में अब फिर से वही समस्या पैदा होने लगी है और प्रशासन की निष्क्रियता भी बिल्कुल सामने आ चुकी है। रियामड़ी उपखंड क्षेत्र के आलनी आवास कस्बे में चुनाव आयोग के निर्देशानुसार कस्बे में गढ़ के सामने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आशा और जनप्रतिनिधियों द्वारा रंगोली बनाकर मतदाताओं को वोट डालने के लिए जागरूकता का संदेश दिया गया। सरपंच ने कहा कि लोकतंत्र में एक वोट की कीमत बहुमूल्य होती है, इसीलिए सभी को जागरूकता के साथ बिना किसी लालच और लोभ के अपना वोट डालने के लिए बूथ पर पहुंचना चाहिए। इस कार्यक्रम के दौरान नारायण सिंह कंगारोद, ग्राम सहायक छगन लाल दरट, सत्तार मोहम्मद, नौरत राव, राम अवतार सेन सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। इसके साथ ही इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्यमेव न्यूज, हमेशा सच के साथ।